हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1:30x50 का हाउस प्लान और विथ कार पार्किंग। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है और इस मॉडल को हम पूरा आपको दिखाने वाले हैं। इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मैंने डिज़ाइन किया है और ये मॉडल बहुत ही बेहतरीन इसका लुक मैंने दिया है। और यहाँ पर आपको इस मॉडल में सभी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको बाथरूम्स मिलता है, लेटरिंग्स, बाथरूम, स्टेयर्स और जो भी मकान में नेसेसरी चीज़ें होती हैं घर के लिए, वो सभी कुछ मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलो, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम आपको ले चलते हैं सीधा डायरेक्ट मॉडल पर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। तो जैसे दोस्तों ये देख पा रहे हो कि मॉडल आप स्क्रीन पर, और इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा मॉडल की बात करें तो 30x50 विथ कार पार्किंग हाउस प्लान है। मॉडल बहुत ही बेहतरीन है, मैंने काफ़ी चीज़ ओपन यहाँ पर डिज़ाइन किया है, ज़्यादा मैंने कुछ खासा चीज़ें नहीं डिज़ाइन किया है। तो ये मॉडल आप पूरा देख पा रहे होंगे। फ्रंट की बात करें, सामने की बात करें, तो ये मॉडल आप देखिएगा ऐसा दिखने को मिलेगा। साइड की बात करें तो 3 साइड क्लोज्ड है और यहाँ पर कुछ मैंने दोस्तों या पेड़ देख रहे होंगे, ट्रीज देख रहे होंगे, ये भी डिज़ाइन किया है। तो ये मॉडल हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर 30x50 का विथ कार पार्किंग डिज़ाइन किया है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरीके से हम, जैसे कि आपको लगातार किसी भी मॉडल को ट्रांसपेरेंट करके दिखाते हैं, इस मॉडल को मैं फिर से ट्रांसपेरेंट करना चाहूँगा। तो जैसे इस मॉडल को आप ट्रांसपेरेंट करते हैं, ये देखिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक दीवारें हाइड हो जाती हैं और आपको सिर्फ इसका फर्नीचर वगैरह दिखता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी में और भी बेहतरीन मॉडल आपको देखने लगता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे इस मॉडल को, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। चलो हम इसको ले चलते हैं अपने ओरिजिनल पोजिशन पर। और जैसे इसको ओरिजिनल पोजिशन पर लेकर आते हैं तो आपको ये देखिएगा कैसा मॉडल दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको हम ले चलेंगे आपके ग्राउंड फ्लोर पर। तो ग्राउंड फ्लोर ये देखिएगा दोस्तों, फ्रंट की बात करें, सामने की बात करें, तो ग्राउंड फ्लोर ये है। और अगर हम इसकी टॉप व्यू देखते हैं, ग्राउंड फ्लोर का टॉप व्यू आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपका टॉप व्यू ग्राउंड फ्लोर का देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसका, देखिए ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो ओपन स्पेस है, ये कार पार्किंग के लिए फिलहाल दोस्तों। अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 फिट है और 30 फिट आपका ये चौड़ाई है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो आगे का पोर्शन ये जो निकाला है, ये कार पार्किंग के लिए है और ये ओपन स्पेस छोड़ दिया है। ये आप पर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर गार्डन रख सकते हैं या आप कोई एक रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रूम क्रिएट करते हैं तो भी आपके लिए एक रूम बढ़ जाएगा, अगर आप गार्डन का रखना चाहते हैं तो गार्डन रखें। चल, ये कार पार्किंग का स्पेस मैंने दिया है। तो ये तो जैसे आप ये डिजाइनिंग का पार्ट एंटर करते हैं फ्रंट गेट पर, तो सबसे पहले आपको देखिएगा ऊपर ये डिजाइनिंग का पार्ट, ये एक विंडो लगता है और इसका मेन डोर, ये मेन डोर ये है दोस्तों। यहाँ से आप जैसे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको देखिएगा ये आपको मिल जाता है यहाँ पर लेटरिन और बाथरूम कम्बाइंड। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने डोर दिया है, ये देखिएगा लेटरिन और बाथरूम का ये डोर है और यहाँ से ये पूरा लेटरिन बाथरूम कम्बाइंड है। इसके बगल में आपको एक बेडरूम मिलता है बेहतरीन सा, जिसके लिए मेन डोर ये है और ये आपका मिल जाता है एक विंडो। इसके बाद बगल में आपका किचन मिल जाता है, ये देखिए दोस्तों किचन है। और सबसे पीछे ये है दोस्तों ओपन स्पेस आपको मिल जाता है, जिसमें आपका अंदर कोई भी सनरेज की प्रॉब्लम ना हो, आपको वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो सके। और सबसे पीछे एक कॉर्नर पर एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है, ये देखिए इसके लिए मेन डोर ये है, विंडो ये है और ओपन स्पेस में जाने के लिए मैंने डोर यहाँ पर दिया है। ये एक बड़ा सा आपका हॉल टाइप का मिलता है, जहाँ पर अपने गेस्ट को, आप इसको लॉन टाइप का समझ सकते हैं, बेहतरीन सा है, आप सोफ़ा वगैरह सब सेट कर सकते हैं। और ये आपकी स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। और आगे को मैंने जो बताया वो तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप कार पार्किंग के लिए बढ़िया डिजाइनिंग दे सकते हैं। अगर इन सभी का आप दोस्तों साइज जानना चाहते हैं तो आप हमारी स्मॉल हाउस प्लान वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मात्र 99 रुपीज़ में इसके दोस्तों 2D images, 3D images आप डाउनलोड कर सकते हैं इन जिप फाइल। और जैसे आप इस पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ एड्रेस वगैरह मांगेगा, आपका नाम वगैरह मांगेगा, वो डालना होगा और आपको 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। आपके प्रोफाइल में ये सेव हो जाएगी। इसकी 2D images मैंने हर एक फ्लोर की दे दी है विद डायमेंशन, वहाँ पर मैंने सब मेंशन कर रखा है कहाँ पर क्या बनाए। और इसको प्रोफाइल में सेव कर लेना है, जैसे आप सेव करेंगे वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो इस मॉडल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट फ्लोर पर दोस्तों, मैंने क्योंकि ज़्यादा डिजाइन नहीं, जैसे आप फिलहाल लास्ट फ्लोर कोई चेंजमेंट नहीं दोस्तों, सिर्फ वही है, देखिएगा वही रूम, वही पूरा डिटेल वही है, बस मैंने फ्रंट का लुक यहाँ पर चेंज कर दिया। फ्रंट का लुक की बात करें तो ये बाउंड्री दिया है, ये स्टाइलिश थोड़ी बना दी है और यहाँ पर ये स्टाइलिश बना दी है। और ये जो फ्रंट लुक ये था, इसका थोड़ा डिजाइनिंग
चेंज कर दिया। बात करें कार पार्किंग का जो स्पेस था, वहाँ पर आप ऊपर लॉन टाइप का ये देखिए बन जाएगा आपका, बेहतरीन ओपन घर बनाया दोस्तों मैंने, ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें डिजाइन नहीं की है। तो ये तो इसका, अब लास्ट फ्लोर की बात करें, लास्ट फ्लोर ये है, ये बाउंड्री मैंने चारों तरफ से दे दी है, ऊपर आपका क्लोज्ड होगा। हालांकि आपको यहाँ पर अभी एक चीज़ और बनवानी पड़ेगी, जो स्टेयर्स है उसको ढकने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक बनवाना पड़ेगा। और थ्री साइड क्लोज्ड मकान था जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। तो ये मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप कोई भी रिकमेंडेड मॉडल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे लिए सर घर बनाएं, तो आप मुझे कमेंट करें। हालांकि मैं सभी कमेंटों का जवाब नहीं दे पाता हूं, और ना ही सभी कमेंट्स का मैं मकान डिज़ाइन कर पाता हूं, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं और सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं कि सब कुछ मैं इकट्ठा आपको डिज़ाइन करके दे दूँ। तो मैं किसी एक का रैंडम पिक करता हूं और उसी का डिज़ाइन बनाता हूं। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगता है हमें ये कमेंट करके जरूर बताया करें, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें फेसबुक व्हाट्सअप पर, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार।